हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बना रहे हैं कॉर्न कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए हमने कॉर्न को पीस लिया है। तो आप भी जब ये तैयारी करें तो कॉर्न को पहले ही पीस लें। और साथ ही हमने लिए हैं दो आलू, जिनको हमने उबाल कर कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हमें ज़रूरत जिन चीज़ों की होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक शिमला मिर्च हमने काट ली है, एक कप बेसन, एक चम्मच बेसन लिया है, एक चम्मच चावल का आटा लिया है, तीन हरी मिर्च ली है हमने, इन्हें बारीक काट लेंगे, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरा धनिया, दिखा हम कम रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा डालेंगे उसमें, किशमिश और नारियल का चूरा लिया है, ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हींग लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, कुटी हुई काली मिर्च है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक टेस्ट अनुसार। सारे सामान को हम मिला देंगे, कॉर्न, पोटैटो, चावल का आटा, बेसन, शिमला मिर्च, धनिया, नारियल और किशमिश, धनिया, अदरक का लच्छा, हींग, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और नमक, साथ में हरी मिर्च। अब इनको हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे। देखिए, ये अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी गोल गोल टिक्कियां बना देंगे इस तरीके से। कोई प्रॉपर शेप नहीं देनी है, सिर्फ इस तरीके से टिक्कियां बनानी है। आप सारी बना के रख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बने हुए रोल है इनकी हम लॉलीपॉप बना देंगे। इस तरीके से आप इसके अंदर दबाइए और ये देखिए, थोड़े हल्के हाथों से इस तरीके से। एक और बनाती हूँ, इसको आपने हल्का सा पिचकाना है, इसको ऐसे लगाना है और इसको फोल्ड कर देना। ये देखिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम इनको धीरे धीरे डालेंगे, बहुत तेज आंच में नहीं सेकना है आपने इसको, बिल्कुल मंदी आंच में सेकेंगे। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने आपके बर्तन में आए उतने ही क्वांटिटी में तलें, ज़्यादा के चक्कर में चीज़ ख़राब ना करें। इनको आराम आराम से तलेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। और जब तक ये तल रहे हैं, जब तक आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप लोगों के पास पहुंच सके। रेसिपी बढ़िया होना भी ज़रूरी है और हेल्दी होना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का ख्याल रख के हमेशा रेसिपी बनाएं। कॉर्न में फाइबर होता है तो इसको खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये अपने आप ही बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। अभी देखिए, ये अभी हल्के हैं तो इनको हम और तलेंगे, सिकने दें इन्हें, इन्हें डार्क ही तलेंगे, लाइट ना उतारें आप। ये देखिए, आपको लग रहा होगा सिक गए थोड़ा सा, लेकिन हम और करारा करेंगे। ये देखिए, परफेक्ट कलर आ चुका है। आप देख रहे होंगे
ये जितना खाने में टेस्टी लगेगा उतना ही देखने में सुंदर लग रहा है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया वो इन चीज़ों का आपका दीवाना हो जाएगा और कभी भी इस कॉर्न के कबाब को नहीं भूल पाएगा। पेश है आपके लिए यम्मी क्रिस्पी कॉर्न के कबाब, इसे आप कॉर्न लॉलीपॉप भी कह सकते हैं। तो इन्हें ट्राई कीजिए और मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अच्छे लगे या अच्छे नहीं लगे, और किसको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।